प्रदेश में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए आईसीएमआर की टीम ने शुरू किया सीरो सर्वे। 10 जिलों से 5000 नमूने लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 78,000 के करीब पहुंची। दुर्ग में 20 से लागू होगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने आज नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में लगभग 332 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। विभिन्न जिलों में किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रदेश में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की टीम द्वारा सीरो सर्वेलेंस की शुरुआत कर दी गई है। आईसीएमआर की टीम ने रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले में लोगों के शरीर में एंटीबॉडी की जांच के लिए नमूने इकट्ठा किए। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा आईसीएमआर के विशेषज्ञों से कराए जा रहे सीरो सर्वेलेंस से आम लोगों और उच्च जोखिम वर्गों में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता चलेगा। सीरो सर्वेलेंस की रिपोर्ट से प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने की रणनीति तैयार करने में भी मदद मिलेगी। आईसीएमआर की अलग अलग टीमों ने आम लोगों और ज्यादा जोखिम वाले समूहों के नमूने इकट्ठा किए। राजनांदगांव जिले के सुरगी में आम लोगों के 42 और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के 51 सैंपल संकलित किए गए। इसी तरह रेंगा कठेरा और नवागांव में भी लोगों के रक्त के नमूने लिए गए। क्षेत्रीय मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर के डॉक्टर पुष्पचंद्र साहू ने बताया कि प्रत्येक जिले से 500 सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के 10 जिलों से 5000 सैंपल लिए जाएंगे। हमारा ये कोविड-19 का सेरो सर्वेलेंस सर्वे हो रहा है। सेरो सर्वेलेंस मतलब हम ब्लड सैंपल लेके कितना एंटीबॉडी किसी का डेवलपमेंट हुआ, प्री इन्फेक्शन का हिस्ट्री देखने के लिए हो रहा है। हम आईसीएमआर आरएमआर टीम है और विद द कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट टीम और डिस्ट्रिक्ट टीम है साथ, तो ये कर रहे हैं। टोटल हमारा टारगेट है 5000 सैंपल फ्रॉम 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। दो स्टैंडर्ड सैम्पलिंग अप्रोच के सिलेक्शन हुआ तो इस डिस्ट्रिक्ट में हम 500 सैंपल दे रहे हैं, तो 10 डिस्ट्रिक्ट में 5000 सैंपल। उल्लेखनीय है कि सीरो सर्वे के अंतर्गत प्रति 10 लाख जनसंख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों के आधार पर नमूने इकट्ठा किए जा रहे हैं। ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी तैयार होने से संक्रमण फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड का टीका अगले वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 कंपनियां वैक्सीन तैयार करने में नैदानिक परीक्षण के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने लोगों से वैक्सीन आने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखने और 2 गज की दूरी रखने के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में देश में कोविड महामारी की स्थिति के बारे में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वैक्सीन तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति काम कर रही है और कई संस्थाएं उन्हें आवश्यक सहयोग दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत वैक्सीन तैयार करने की दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 78,000 के करीब पहुंच गई है। गुरुवार को प्रदेश में 3,809 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। वहीं कोरोना पीड़ित 12 मरीजों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 628 हो गई है। वर्तमान में 36,036 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच राज्य शासन ने निजी अस्पतालों और निजी लैब को एंटीजन,
ट्रू नॉट और आरटीपीसीआर की जांच के लिए गाइडलाइंस के अनुसार निर्देश जारी किए हैं। पात्रता अनुसार इच्छुक निजी चिकित्सालय और लैब जांच अनुमति के लिए संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड की समय पर जांच हो जाने और जल्दी उपचार प्रारंभ होने से मरीज के स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी ओर देश में कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक ही दिन में 87,472 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41,12,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की संख्या का केवल 19.52% रह गया है। इस समय 10,17,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक बार फिर 20 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर व्यापारिक प्रतिष्ठान और कार्यालय बंद रहेंगे। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से आग्रह किए जाने के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विचार करते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। लॉकडाउन का उद्देश्य संक्रमण को रोकना है। जिले में अभी लगभग 7,300 के करीब पॉजिटिव केसेस आज दिनांक प्राप्त हुए हैं और इस संख्या में अभी पिछले कुछ दिनों से काफी बढ़ोतरी हो रही थी। इसको देखते हुए अभी लॉकडाउन लगाया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो वेजिटेबल, फिश और एग्स मार्केट है वो सवेरे 4 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा शेष सभी प्रकार की गतिविधियां प्रबंधित रहेगी। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट बसेस है वो उसका परिवहन जारी रहेगा। शासकीय कार्यालय में 1/3 के रोटेशन से सभी कार्यालय, इमरजेंसी कार्यालय खुले रहेंगे और बाकी जो ये जो लॉकडाउन है ये शहरी क्षेत्र में रहेगा। और अभी ग्रामीण क्षेत्र में अभी क्योंकि केसेस की संख्या कम है और वहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं है तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में इस लॉकडाउन को नहीं लगाया गया है। मुख्य रूप से इसमें सभी नागरिकों से आह्वान है कि लॉकडाउन ये कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। हम सब लोगों को जिम्मेदार और बनना पड़ेगा। अगर हम लोग मास्क और सैनिटाइजेशन और डिस्टेंस का पालन करते हैं तो ये ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं आएगी। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक 7,330 कोरोना मरीज मिले हैं। वर्तमान में 4,166 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को लगभग 332 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें से लगभग 84 करोड़ रुपए के 29 कार्यों का लोकार्पण और 239 करोड़ रुपए के 179 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गठन के बाद लगातार विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति दी जा रही है। इसी कड़ी में आज 332 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। कुल मिला के 332 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास हो थे। इकर बार आप सब ला मैं बधाई देता हूं। बहुत अकन चाहे वो सिंचाई के काम हो, सड़क के काम हो, स्कूल के अतिरिक्त कमरा के निर्माण हो, 10 ट्राइबल छात्रावास के निर्माण हो, ये सब काम मन हमें लगातार ओकर स्वीकृति प्रदान करें, निर्माण कार्य शुरू हो है। एकर बार आप सब ल बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने की। जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस दौरान प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में
हाथ में लिया है और 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा कार्य में भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन पूरे सप्ताह में रखे गए हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, ऐसे हमारे दिव्यांग लोगों के लिए कृत्रिम जो अंग है, उपकरण है, उनके वितरण का कार्यक्रम किया गया है। वृक्षारोपण का पर्यावरण की दृष्टि से कार्यक्रम किया गया है और साथ ही अभी वेबिनार का कार्यक्रम का भी आगामी समय में आयोजन किया जाना है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी मंडल से लेकर बूथ स्तर भाजपा के कार्यकर्ता सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संगठन द्वारा श्री मोदी के जन्मदिन पर बेटियों को मास्क बांटे गए। संगठन के प्रमुख अजय तिवारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता के लिए बेटियों को मास्क बांटे जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, उसी के तारतम्य में आज हम सब यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान समिति के तहत मास्क बांटने का कार्यक्रम कन्याओं को रखा गया है। जो कार्यक्रम में गरीब तबके की जो कन्याएं हैं उनको सैनिटाइजिंग और मास्क के बारे में समझाया जाएगा। राजनांदगांव जिले में भी भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसी तरह मुंगेली जिले में भी श्री मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इस मौके पर दाऊपारा मुक्तिधाम और जिला भाजपा कार्यालय में पौधारोपण किया गया। उधर जांजगीर में सेवा सप्ताह के तहत दिव्यांगों को मदद दी गई। विधायक नारायण चंदेल ने दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का वितरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए आम लोगों ने कहा है कि श्री मोदी द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है और लोगों के जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है। जनधन योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसानों के लिए उन्होंने किया है वो हो, लेकिन मुझे प्रमुखता से उनका आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है वो मेरे हृदय को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। मैं उनसे इस निर्णय से अत्यधिक प्रभावित हूँ। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैसे तो बहुत से अच्छे काम किए हैं, उन्हीं में से एक है डिजिटल इंडिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोग विकसित हो रहे हैं, दुनिया में विकास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया का बहुत महत्व है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है, परंतु फिर भी छात्र छात्राएं अपने पढ़ाई पूरी कर रहे हैं इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट के द्वारा परीक्षाएं ली जा रही है, रिजल्ट आ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे शिक्षा ग्रहण किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से ग्रामीणों में भी बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं, जैसे घर घर में फ़ोन बांटना, इंटरनेट की सुविधा देना। इसलिए मुझे नरेंद्र मोदी जी का कार्य बहुत अच्छा लगता है। केंद्र की जो मोदी सरकार है, उन्होंने जो उज्ज्वला योजना जो लागू किया 1 मई 2016 से, 5 करोड़ जो गरीब बेसहारा बीपीएल कार्डधारियों को जो निशुल्क में उन्होंने गैस चूल्हे का वितरण किया, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी योजना है। जो गरीब तबके के जो लोग थे, जो वर्षों से लकड़ी से चूल्हा वाला जलाते थे, और उनको जो ये गैस चूल्हे से के इस्तेमाल से जो उससे उनके हेल्थ में सुधार हो रहा है और अच्छा प्रदूषण युक्त वातावरण में उन लोग अपना सब काम कर सकते हैं, ये अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छी सफल योजना भी है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए आईसीएमआर की टीम ने शुरू किया सीरो सर्वे, 10 जिलों से 5,000 नमूने लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 78,000 के करीब पहुंची। दुर्ग में 20 से लागू होगा लॉकडाउन।
मुख्यमंत्री ने आज नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में लगभग 332 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। विभिन्न जिलों में किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।